फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकिट। आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। एसएससी जेई का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, एसएससी जेई, स्टेट लेवल जेई, आरआरबी जेई, तो जेई लेवल के एग्जाम में आरएसी का अच्छा खासा वेटेज होता है और यहाँ पे आरएसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। हम 2020 सीरीज की हेल्प से, आप सभी को पता है 2020 सीरीज की खास बात क्या है कि हम 20 क्वेश्चंस को लेते हैं और उन 20 क्वेश्चंस का हम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्लियर? तो आज हम 20 क्वेश्चंस जो लेने वाले हैं वो आरएसी के लेने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल से डायरेक्टली जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पकड़ेंगे सबसे पहले, और जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा और आपको आरएसी पूरे के पूरी स्टोरी की फॉर्म में आपके सामने क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही उठाए हैं और उनको मैक्सिमम सॉल्व किया है टीएस और पीवी डायग्राम की हेल्प से। अब देखिएगा, हम ऐसे क्वेश्चंस भी टीएस डायग्राम से सॉल्व कर देंगे जो बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस हो, जिनमें कभी कभी कैंडिडेट को सोचना पड़ता है कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि दो या तीन ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे आपको। बट अगर टीएस डायग्राम आपकी क्लियर है या पीवी डायग्राम अगर आपकी क्लियर है तो आपको बहुत इजीली आंसर मिलेंगे। तो टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम पे थोड़ा फोकस हम ज्यादा रखेंगे। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द ओल्डेस्ट विद नो पोल्यूशन प्रॉब्लम रेफ्रिजरेंट एंड गिव द एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे पोल्यूशन प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्स हैं। सबसे पहला है जेडब्ल्यूपी, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और दूसरा है हमारे पास ओडीपी, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। अगर मैं R12 की बात करूँ और R11 की बात करूँ, देखिए R12 है आपका डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, R11 है आपका ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ओडीपी की अगर बात करें तो दोनों का इंडेक्स 1 है, और अगर मैं GWP की बात करूं तो 2400 है R12 का और 4000 है R11 का। तो ये पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इसलिए हम अमोनिया यूज़ करेंगे। अब अमोनिया के केस में क्या है कि GWP भी आपका 0 है और ODP भी 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि NH3 में आपके पास नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे ये दोनों आपके पास मैनमेड फॉर्म में भी मिलेंगी और नेचुरल फॉर्म में भी मिलेंगी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टेम्परेचर ऑफ द ड्राई आइस इन द रेफ्रिजरेशन इज मेंटेन्ड अराउंड ड्राई आइस। देखिए, अगर आप CO2 को सॉलिड फॉर्म में रखते हैं देन इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस का सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि अगर आपने वाटर से आइस बनाई है और दूसरा आपने आइस CO2 से बनाई है, तो CO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में जब होगी तो आप उसे ड्राई आइस बोलेंगे, और सिंपल वाटर से जब आपने आइस बनाई होगी तो ये सिंपल आइस। अब इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ड्राई आइस का टेम्परेचर लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल आइस जो हमने H2O से बनाई है, और दूसरा फ़ायदा ये कि ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे ड्राई आइस को, तो कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। ड्राई आइस जब CO2 सॉलिड फॉर्म में है तब उसे हम ड्राई आइस बोलेंगे, और उस टाइम पे टेम्परेचर जो होगा वो -78 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्ड क्वेश्चन, इन आइडियल केस वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर लाइकली टू बी। ऑप्शन है आपके पास वेट वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीट वेपर एंड एनी वेयर बिटवीन x=0 to x=1। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है x, अगर मैं 0.9 बोलूं तो इसका कहने का मतलब है कि 90% आपके पास स्टीम है और 10% आपके पास है वाटर। क्लियर? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपके साथ टीएस डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि टीएस डायग्राम ऐसी डायग्राम है जिससे आप बहुत से आंसर दे पाओगे। अभी हम जो टीएस डायग्राम वेपर कंप्रेशन साइकिल की डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन हम डायरेक्टली टीएस डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर पाएं। अगर मैं डोमेन की बात करूं x=1 और x=0 के बारे में, देखिए यहाँ पे x=1 होगा और यहाँ पे होगा x=0। क्लियर? और यहाँ पे टीएस डायग्राम में जो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन होती है वो कुछ ऐसी होंगी, प्रेशर कांस्टेंट की लाइन होंगी कुछ ऐसी। अब अगर मैं एक सिंपल डायग्राम की बात करूँ, सिंपल डायग्राम, तो सबसे पहले आपके पास आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर आपका यहाँ से टेम्परेचर को गेन करेगा जो कि रेफ्रिजरेंट को टेम्परेचर देगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा कंप्रेसर, और कंप्रेसर के बाद यहाँ से रेफ्रिजरेटर जाएगा, किस में जाएगा? कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद आपका जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व में। ठीक है,
देखिए ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है जो सभी को पता ही होगी आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से बाहर आया इस पॉइंट पे, इसको मैं वन पॉइंट लेता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट, इसको थर्ड पॉइंट, इसको फोर्थ पॉइंट। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है जितना टेम्परेचर यहाँ से रेफ्रिजरेंट लेगा उतना इस लाइन के ऊपर आगे फर्दर मूव करेगा, जितना टेम्परेचर लेता चला जाएगा उतना आगे आगे मूव करता चला जाएगा। अब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू है 0.8, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है इस वाले पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे। अब एक्स इक्वल टू 0.8 है, अब कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये आपका पॉइंट होगा वन, ये होगा पॉइंट टू। अब यहाँ पे कंप्रेसर में आउटलेट होगा टू और कंप्रेसर से जाएगा कंडेंसर में और आउट होगा 3 पॉइंट। तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करवाएगा, अब हीट को रिजेक्ट करवाएगा बाहर की तरफ और यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुँचेगा, और यहाँ से एक कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होगा जिसको एसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं, तो यहाँ से 4 पॉइंट पे पहुँचेगा। तो ये कंप्लीट साइकिल है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आइडियल केस में वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर लाइकली टू बी। देखिए अगर आपका एक्स इक्वल टू 0.8 है इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट एंटर करने वाला है उसमें 20% वाटर है अभी, क्लियर। तो होता क्या है, कंप्रेसर में हमारे पास ब्लेड्स होंगे और उन ब्लेड्स में हमारे पास लुब्रिकेशन भी होगी, तो अगर हमने यहाँ पे वाटर को एंटर करवाया तो सबसे पहली बात कि जो इसके वॉल है वो खराब होना स्टार्ट होंगे, डैमेज होना स्टार्ट होंगे वाटर की वजह से, और दूसरा इसके अंदर जो ब्लेड्स हैं जिनमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी है तो वो भी वॉश आउट होने का डर रहता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 20% भी वाटर ना रहे, हम ये चाहते हैं यहाँ पे 100% जो है वो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहे। तो इसीलिए हम इस 0.8 पे ना रहकर हम ये चाहते हैं ये मिनिमम इस पॉइंट तक आ जाए। अब मिनिमम इस पॉइंट पे जब आएगा तो कंप्रेसर में जब एंट्री होगी तो यहाँ पे 100% मतलब एक्स इक्वल टू वन होगा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आपके पास वाटर नहीं होगा, तो आपके पास जो डैमेज हो रहा था वो बच जाएगा। तो हम ये चाहते हैं एक्स इक्वल टू वन पे तो मिनिमम एंट्री मारे कंप्रेसर में। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा ड्राई सैचुरेटेड वेपर, क्लियर। अब इस टीएस डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस डायग्राम को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चंस में हम इन्हीं टीएस डायग्राम से आंसर को सॉल्व करेंगे, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रोटलिंग डिवाइस ऑफ द वेपर कंप्रेसर साइकिल इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में ये वाला जो 3 to 4 प्रोसेस था ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस था, तो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस है जो कि आंसर आएगा सी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन में लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज टू, हमारे पास ऑप्शन है सब कूलिंग से रिगार्डेड। अब सब कूलिंग है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टीएस डायग्राम अभी वही रहेगी जो हमारी थी, और इसी टीएस डायग्राम से हम मैक्सिमम आंसर देंगे अपने क्वेश्चंस के, क्योंकि ये टीएस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा इसके बारे में। यहां पे देखिए टीएस डायग्राम में अगर आपके पास इस पॉइंट पे आपने कंप्रेसर को एंट्री दी जो कि बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपके पास H2O नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा कुछ भी, तो 1 से 2 आप गए, अब यहाँ पे कंप्रेसर से आउट हो गए। अब कंप्रेसर से आउट होने के बाद जब कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करनी स्टार्ट की तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे T है और यहाँ पे S है। अब यहाँ से जब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होता दिख रहा है, बट इसके बाद और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कहने का मतलब हीट को रिजेक्ट करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट जो यहाँ पे गेन किया है आपने वो यहाँ पे रिजेक्ट होगी, क्लियर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब इवेपोरेटर जो आपका इवेपोरेटर है जो कि कंप्रेसर से पहले था, ये जितनी हीट यहाँ से गेन करेगा उतना ये पॉइंट आगे की तरफ बढ़ेगा, मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखिएगा। और जितना कंडेंसर अब यहाँ से कंडेंसर हीट बाहर रिजेक्ट करेगा उतना आप एक्स इक्वल टू 0 की तरफ को आना स्टार्ट करोगे। अब जैसे आप इस पॉइंट पे पहुँचते हो 3 पॉइंट पे, यहाँ पे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है और यहाँ पे होगा 4 पॉइंट। अब होगा क्या, जब ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है कि आप इस पॉइंट से कॉन्स्टेंट
इन थेरेपी प्रोसेस के थ्रू फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए। बट हम क्या करते हैं, कुछ मार्जिन रखने के लिए हम यहाँ से इसको सब कूल करवा देते हैं, मतलब यहाँ से भी हम और नीचे आएंगे और इस पॉइंट पे थ्री डैश इस पॉइंट पे कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस करवाएंगे ताकि हम यहाँ पे पहुँच जाएँ। अब यहाँ पे पहुँच के क्या होगा, हम एक्स इक्वल टू जीरो से भी नीचे चले गए। इसका फ़ायदा देखो क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जब एक्सपेंशन वाल्व आएगा, एक्सपेंशन वाल्व आएगा तो यहाँ पे इवेपोरेटर आएगा। अगर इवेपोरेटर की एंट्री में कुछ वेपर है, क्लियर, अगर यहाँ के एंट्री में कुछ वेपर है तब आपका नुकसान है। हाँ, आप चाहते हो कि हमेशा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म रहे, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हीट को ये एक्सेप्ट करेगा तो ये लिक्विड से वेपर फॉर्म में होगा। तो अगर पहले से ही वेपर फॉर्म में रहा कुछ तो ये कम हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, बट हम चाहते हैं ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहे। तो इस लिक्विड फॉर्म को रखने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सब कूल करवा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इंश्योर होंगे कि हमारा इवेपोरेटर की एंट्री में जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सब कूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर। तो आप कंडेंसर से बाहर जो निकलने वाला रेफ्रिजरेंट है आपको उसको सब कूल करना है, क्लियर। सब कूल इसलिए करना है क्योंकि आप इंश्योर हो जाओ कि यहाँ पे एंट्री के दौरान ये लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अभी भी हमने टीएस डायग्राम से ही आंसर दिया इसका। अगर मैं इसका आंसर भी टीएस डायग्राम से दूं, देखिए, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर वर्क विल। देखिए, टीएस डायग्राम बहुत से आंसर देता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जो कि एग्जाम में बहुत यूजफुल है। वो शॉर्टकट देखिए क्या है, डायरेक्टली आप आंसर दे पाओगे। देखिए, अगर टीएस डायग्राम में वर्टिकल लाइन आपको दिखे वो होता है वर्क। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन पहला केस ये है और दूसरा केस है ये वाला, ये वर्टिकल लाइन ज़्यादा है तो इट मीन्स इस प्रोसेस में वर्क ज़्यादा हुआ होगा और इस प्रोसेस में वर्क कम हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, वर्क कंप्रेसर का होता क्या है, सीपी टी टू माइनस टी वन होता है और CP T2 - T1 होता है S2 - S1, क्योंकि CPT होगा आपका एंथैल्पी। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है ये यहाँ से थोड़ा और ऊपर होगी और ये थोड़ी सी फ्लैट होती है, और जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये लाइन और ज़्यादा स्टीप होती चली जाएगी, क्लियर। तो अगर एक्स इक्वल टू 0.8 की मैं बात करूँ, जो कि कंप्रेसर की एंट्री में था, और कंप्रेसर के एग्जिट में आप यहाँ पे पहुंचोगे सेकंड पॉइंट पे, और दूसरा केस ये है कि जब आपने अपने रेफ्रिजरेंट को और हीट कर दिया, आप हीट करके पहुंचा दिया आपने सुपर हीट वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे सपोज कीजिए सुपर हीट का बहुत हाई टेम्परेचर है और यहाँ से कंप्रेसर में एंट्री की और एग्जिट करेंगे यहाँ पे जाके। अब ये 1- और 2- है, ये दूसरा केस है जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे आपको हाइयर टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, वर्टिकल लाइन ज़्यादा दिख रही है, इस केस में वर्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर वेपर का बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर वर्क विल इंक्रीज, क्लियर। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं आपको PV = MRT में, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए, अगर आप वेपर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ा कैसे रहे हो, आप इसी लाइन पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्लियर, और ये लाइन कौन सी है, प्रेशर कॉन्स्टेंट की लाइन है। तो यहाँ पे प्रेशर तो है कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पीवी ये टर्म इंक्रीज करेगी, और आपको पता है कंप्रेसर का मेन काम क्या है, कंप्रेसर का मेन काम है फ्लो वर्क को इंक्रीज करना, पीवी। तो अगर पीवी बढ़ रहा है तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ रहा है, तो कंप्रेसर का वर्क इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, जो कि हमने टीएस डायग्राम से देख लिया, क्लियर। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो ये वर्क है, और अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से लेकर, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब है हम कितनी हीट अपने कमरे से उठा सकते हैं, क्लियर। जो भी आपका रूम है जितनी हीट आप बाहर खींचोगे उतना अच्छी बात है आपके लिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ाने का मतलब है जितनी ये लाइन बढ़ाओगे, अगर सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपने वर्क किया, यहाँ से लेकर यहीं तक आपके रेफ्रिजरेटर ने वर्क किया तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिर्फ इतना हुआ। बट अगर आपने इसे सुपर हीट भी कर दिया तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और इंक्रीज कर गया, देखिए, क्लियर।
तो ये हॉरिजेंटल लाइन आपको रेफ्रिजरेशन दिखाती है और वर्टिकल लाइन आपको क्या दिखाती है, वर्क। और अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर से हॉरिजेंटली जब आप आओगे तो ये जो कंडेंसर के थ्रू हीट रिजेक्ट किया उसके बारे में बताएगा, क्लियर। तो जब हम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वेपर बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा कि अगर आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पे टेम्परेचर आपने यहाँ से आपने इंक्रीज करवा के यहाँ तक कर दिया तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर गया, क्यों? क्योंकि सबसे पहले सिर्फ इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया ऊपर तक, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, साफ साफ दिख रहा है। ये भी हमने जो आंसर दिया वो TS डायग्राम के थ्रू ही दिया, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा इंक्रीज। और अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूँ, सब कूलिंग प्रोसेस इन रेफ्रिजरेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन एज इट विल इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अभी हमने देखा ये। 9th क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ सब कूलिंग प्रोसेस इन रेफ्रिजरेशन COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज COP हमें पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, क्लियर। अब यहाँ पे TS डायग्राम से ही इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं क्योंकि TS डायग्राम से हम आंसर अभी तक देते आए हैं। तो यहाँ पे मेरे को पता है अगर प्रेशर कांस्टेंट की लाइन कुछ ऐसी है, देन यहाँ पे देखिए आपके पास सब कूलिंग से क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर आपका 1 पॉइंट ये है, 2 ये है, 3 ये है और कांस्टेंट इनथैलपी से 4 पॉइंट था ये, अब सब कूलिंग कर दीजिए। अब सब कूलिंग की तो आप इस पॉइंट पे पहुँचे, अब इस पॉइंट पे पहुँचे तो इसको मैं 3 डैश लेता हूँ और यहाँ से आप कांस्टेंट इनथैलपी प्रोसेस पे जाओगे तो 4 डैश यहाँ पे आएगा। अब इससे हुआ क्या, देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर तो कोई इफेक्ट आया नहीं, अगर इस पर इफेक्ट नहीं आया तो वर्क डन तो कांस्टेंट रहा, अगर वर्क डन कांस्टेंट रहा बट इस 4 डैश की हेल्प से मेरे पास एडिशन क्या हो गया, इतना ये क्वांटिटी मेरे पास एडिशनल आ गई। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब सब कूलिंग की हेल्प से मेरे पास ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्स्ट्रा आ गया तो इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया। अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा और वर्क डन नहीं बढ़ा तो COP क्या हुआ, मेरा इंक्रीज किया, तो आंसर क्या आया, ए। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक और कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, जब भी आप प्रेशर कॉन्स्टेंट की लाइन बनाते हो और सपोज कीजिए कॉन्स्टेंट एंथैल्पी के बाद आप यहाँ पे पहुँचे, 4 डैश यहाँ पे पहुँचे, तो अब आपका इवेपोरेटर जैसे ही टेम्परेचर को गेन करेगा, जिस भी रूम पे आपने ये रेफ्रिजरेशन लगाया है या फिर जो भी आपने कंस्ट्रेंट एरिया में रेफ्रिजरेशन लगाया है वहाँ से ये टेम्परेचर को गेन करेगा, तो टेम्परेचर को गेन करेगा तो यहाँ से ये उठना स्टार्ट करेगा और ये चलते 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 अगर आप इसको सुपर हीट तक लेके जा रहे हो तो यहाँ तक अगर आए हो तो देखो रेफ्रिजरेशन बढ़ता चला जाएगा, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। मैंने आपको बताया हॉरिजेंटली चलोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का पता चलेगा, वर्टिकली चलोगे तो वर्क डन का पता चलेगा, ये शॉर्टकट है, एग्जाम में बहुत यूजफुल है, क्लियर। तो यहाँ पे सब कूलिंग से हेल्प से क्या हुआ, पहले हम कहीं यहाँ थे तो सिर्फ हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना सा था बट अब सब कूलिंग की हेल्प से यहाँ पे आ गए तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जिसकी हेल्प से COP बढ़ गया। अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे बोला है लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है बट TS डायग्राम हमें आंसर देगी इसका, अभी दोबारा हम TS डायग्राम पे ही भरोसा करेंगे आंसर देने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे अगर मेरे पास वही चीज़ दोबारा दोबारा बनाएंगे तो हम हैप्चुअल हो जाएंगे उस चीज़ के और जल्दी से आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे था सपोज करो आपका, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और यहाँ पे कांस्टेंट इनथैल्पी प्रोसेस का 4th पॉइंट है। अब इसने बोला इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर दो, कहने का मतलब ये वाला प्रेशर जो है आपका इसको डिक्रीज करो, तो डिक्रीज करके हम इसको ले आते हैं नीचे। अगर इसको नीचे लेके आए तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन कुछ ऐसी बनेगी, तो होगा क्या, देखिए 3 से 4 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ तक आएगा और अब 1 यहाँ से स्टार्ट होगा तो वर्टिकल लाइन बढ़ गई वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन बढ़ी है तो सबसे पहले बात इंक्रीज हुआ है वर्क का, तो सबसे पहले ढूंढो इंक्रीज कहाँ है वर्क का, एक तो बी में बोला है इंक्रीज इन वर्क और सी में भी बोला है इंक्रीज इन वर्क, इसका मतलब आंसर हमारा बी होगा या सी होगा। अब आगे चलते हैं, अगर मैं COP की बात करूँ, COP की बात करूँ तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन होगा। अब इस
जो हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो बहुत ही मैन्यूट डिक्रीज किया है, बहुत ही मैन्यूट। तो अगर ये बहुत ही मैन्यूट डिक्रीज हुआ है बट वर्क डन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, तो सीओपी क्या करेगा? सीओपी ओबीएस से डिक्रीज करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। क्लियर? अब ये भी आंसर हमने टीएस डायग्राम से दिया, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी टीएस डायग्राम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और टीएस डायग्राम को आप जितना हो सके उतना आप पढ़िए, क्योंकि इससे आप बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। बस इतना ध्यान में रखना है कि वर्टिकल लाइन आपको वर्क डन बताएगी, हॉरिजेंटली अगर आप चलोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चलेगा। 11th क्वेश्चन, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे इंथैल्पी दिया है आपको कंप्रेशन का, इनलेट का 1200, इंथैल्पी दिया है कंप्रेसर के आउटलेट का 1400, इंथैल्पी दिया है कंडेंसर के आउटलेट का 200। अब आपसे पूछा है सीओपी। अब सीओपी क्या है? सीओपी आपको पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, H1 - H4 डिवाइड बाय H2 - H1। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमारी वही टीएस डायग्राम अभी भी यूज़ होगी। इस टीएस डायग्राम में क्या देखा था हमने? देखिए हम जितनी बार टीएस डायग्राम बनाएंगे हमारी क्लैरिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। क्लियर? हमें पता है कि वर्क जो कंप्रेसर का है वो सीपी T2 - T1 है, क्योंकि इंथैल्पी H2 - H1 है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास H2 - H1 में सीओपी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए H1 आपके पास 1200 है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इनलेट का क्या है? 1200। तो H1 में 1200 लेता हूँ, माइनस H4 यहाँ का आपके पास 200 दिया है, डिवाइड बाय H2 दिया है 1400, क्योंकि आउटलेट है ये कंप्रेसर का, माइनस 1200। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1000 डिवाइड बाय 200, और आंसर आपके पास आएगा 5। क्लियर? ये भी हमने टीएस डायग्राम की हेल्प से सॉल्व किया। द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंक्लूड, अब डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है रेफ्रिजरेंट की? देखिए हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लो कंप्रेशन रेशो एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए ये तीनों डिजायरेबल हैं, इसलिए हमारे पास आंसर इसका आएगा डी। ऐसा इसीलिए, हाइयर थर्मल कंडक्टिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि जब इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेटर, जब रेफ्रिजरेंट जो इसमें रेफ्रिजरेंट होगा वो हीट को कंडक्ट करेगा, अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो लेटेंट हीट में हीट ऐड करते हैं हम, जिसकी हेल्प से ये X=0 से X=1 की तरफ जाता है, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी की हेल्प से रेफ्रिजरेंट जल्दी वेपर फॉर्म में जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें ज़्यादा चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट हमें लो चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि सब कूलिंग में हमने देखा था, सब कूलिंग में हमने क्या देखा था कि अगर हम इस पॉइंट से कांस्टेंट इंथैल्पिक पॉइंट से यहाँ पे आते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी लो चाहिए हमें। क्लियर? और यहाँ पे हमें हाई इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तीनों चीज़ें चाहिए। आंसर हमारे पास आएगा ऑल ऑफ द एवब। अब यहाँ पे इन आरएसी विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, आप इन दोनों साइकिल को ध्यान में रखिए। पहले तो स्टिर्लिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल। देखिए स्टिर्लिंग साइकिल की अगर बात करूं तो पीवी डायग्राम में, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, दोनों पीवी डायग्राम में इकट्ठी बनाता हूं। अब मैंने आपको बताया कि आरएसी और थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी और थर्मोडायनेमिक्स ये दो ऐसे टॉपिक है जिनमें टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम्स का बहुत यूज़ है, तो आपको हर टीएस और पीवी डायग्राम तो ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं स्टिर्लिंग साइकिल की बात करता हूँ तो यहाँ पर पीवी डायग्राम देखिए, पीवी डायग्राम में आपके पास ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी जिसमें आपके पास दो होंगे टेम्परेचर कांस्टेंट के कर्व्स और दो होंगे आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट के। क्लियर? और अगर मैं एरिक्सन साइकिल की बात करूं तो एरिक्सन साइकिल में दो तो टेम्परेचर कांस्टेंट के होंगे ही होंगे, बट अब होंगे प्रेशर कांस्टेंट के भी साथ में। क्लियर? ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट और ये प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर? अब हमने कैसे याद रखा है इसको? एरिक्सन साइकिल देखिए ई, और यहाँ पे है स्टिर्लिंग साइकिल, तो इसका ये वाला पार्ट हटा दीजिए और इसको यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये पी दिख रहा है, तो ये पी
मतलब प्रेशर कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा इसके साथ। तो एरिक्सन साइकिल और स्टिर्लिंग साइकिल ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू आइसोकोरिक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। क्लियर। अब आपसे लाइनर साइकिल की बात की जाए तो ये पल्स जेट इंजन में यूज़ होता है। क्लियर। तो बाकी अगर एटकिंसन साइकिल की बात की जाए तो ये साइकिल कैसा होता है, देखिए साइकिल आपको सभी ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे दो एडियाबैटिक होते हैं, दो एडियाबैटिक होते हैं, एक प्रेशर कांस्टेंट का होता है और एक वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन होती है। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट की लाइन हो गई, ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन हो गई, ये एडियाबैटिक हो गई और ये भी एडियाबैटिक हो गई। क्लियर। तो सभी पीवी और टीएस डायग्राम तो कम से कम आपको ध्यान में रखने हैं। द इवेपोरेटर यूज इन नॉर्मल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज, यहाँ पे तीनों ऑप्शन है आपके पास। नॉर्मली जो हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं वो होता है फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर, और जो इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं वो डी फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रोस्टिंग इवेपोरेटर इसका आंसर होगा। 15th क्वेश्चन, ड्यू पॉइंट इज, यहाँ पे आपसे ड्यू पॉइंट पूछा है, ये भी आंसर हम टीएस डायग्राम के थ्रू ही देंगे। क्लियर। देखिए टीएस डायग्राम का कितना यूज है वो आपको सभी को दिख रहा होगा। तो टीएस डायग्राम में देखिए ड्यू पॉइंट एक्चुअल में क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है ड्यू पॉइंट का। देखिए टीएस डायग्राम में मेरे पास एक एयर है जिसका वेपर प्रेशर सपोज कीजिए है, मैं ये टेबल की हेल्प से आपको बताऊंगा। तो वेपर प्रेशर हमारे पास है 0.0662 bar। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा। अब इसको सुपर हीट करना भी स्टार्ट किया, और सुपर हीट करते 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 मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया। अब सपोज कीजिए यहाँ का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है, और मेरा जो ये वेपर प्रेशर है यहाँ पे ये टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब हुआ क्या, जब मेरा वेपर प्रेशर है 0.0662 और यहाँ पे अगर मैं टेबल की हेल्प लूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पोंडिंग पीएस जो सेचुरेशन प्रेशर होगा वो है 0.0737। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, अभी तक सारा डाटा मैंने टेबल से उठाया है। अब मैंने क्या किया, मेरा वेपर प्रेशर तो कम है पीएस से, इट मींस मैं अभी अनसेचुरेटेड एयर में हूं, मेरी एयर जो है वो अनसेचुरेटेड है। अब मैं क्या करता हूं, इस 40 डिग्री सेल्सियस पे जो मेरा ये पीएस है इसको मैं जो सेचुरेशन प्रेशर है ये 40 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पोंडिंग है। अब 40 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करना स्टार्ट करो टेम्परेचर, डिक्रीज करते करते सबसे पहले आप आओगे 39 पे। अब जैसे 39 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो इसके कोरेस्पोंडिंग भी कुछ ना कुछ पीएस होगा, सेचुरेशन प्रेशर होगा, बट अभी भी मैं मेरा जो पीवी है वो कम है 0.0662 है, अभी भी मैं अनसेचुरेटेड एयर में हूं, तो इसको और डिक्रीज कीजिए। और डिक्रीज करोगे तो इस पॉइंट पे आ जाओगे। अब जैसे इस पॉइंट पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि पीएस इक्वल टू हो चुका है पीवी के, मतलब जो आपका सेचुरेशन प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल आ चुका है। बस इसी पॉइंट को, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब जो ये हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है ये या तो आप रेफ्रिजरेशन की इफेक्ट से करो या कुछ भी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से करो, बट आपको प्रेशर को, देखिए प्रेशर को डिक्रीज, प्रेशर जो है आपका सेचुरेशन प्रेशर पीएस होगा। अब जो आपने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करना जब स्टार्ट किया तो ये ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो वो कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन पे करोगे, ठीक है। और कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन पे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका पी एस इज इक्वल टू पीवी हो जाएगा, उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जब आपके पास सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ कि सुबह सुबह हमारे ग्रास के ऊपर कुछ ड्यू पॉइंट्स होते हैं, कुछ है ना वाटर के ड्रोपलेट्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वही कि पूरी रात हमारा टेम्परेचर बहुत स्मूथली डाउन हो रहा होता है, कंटिन्यूसली डाउन होता है। और कंटिन्यूसली डाउन होते होते होता क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आपने 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचे आप 40 से लेकर, 40 से डिक्रीज करते करते आए 38 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया, बट इससे नीचे जब जाओगे आप, इससे नीचे जाओगे सपोज 36 पे गए,
36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गए, तो यहाँ पे अब एयर क्या करेगी, एयर अपने में से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपका वीपी ऊपर होगा और आप अपने प्रेशर को नीचे ले आए हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए सपोज आपका 0.0662 था बट अब आपके पास है 0.0593, तो अब आपका नीचे आ गया वीपी पीवी। तो अब अगर पीवी नीचे आ गया तो कुछ एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के पार्टिकल्स वाटर को रिजेक्ट करेंगे, जिससे पहली ड्रोपलेट निकल के सामने आएगी, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो यहां पे देखिए द टेम्परेचर एट विच द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम इन द सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अगर बाय चांस किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा रिकैप जरूर कर ले। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को देखता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो आपका सिंपल, आपने थर्मोमीटर लिया और कहीं का भी टेम्परेचर को मेजर कर लिया, वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। और अगर मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूँ जो आरएसी में बहुत यूजफुल है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर सिंपल आपका थर्मोमीटर है और उस थर्मोमीटर को, दैट थर्मोमीटर विल बी रैप्ड विद द वेटेड विक्स, क्लियर। और उसके बाद आपके पास एक टेम्परेचर और आता है डीपीटी। ये डीपीटी क्या है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो यहाँ पे डीबीटी की अगर बात करूं, डब्ल्यूबीटी की बात करूं और डीपीटी की बात करूं, अगर आपके पास 100% ह्यूमिडिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, 100% ह्यूमिडिटी है तो ये तीनों इक्वल होते हैं। बट अगर आपकी 80% ह्यूमिडिटी है या 90% ह्यूमिडिटी है, 70% ह्यूमिडिटी है, देन सबसे बड़ा तो होगा डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इससे छोटा होगा वेट बल्ब टेम्परेचर, और सबसे छोटा होगा डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इन बातों को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगन व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां से टेम्परेचर को डिक्रीज तो कर रहे थे बट कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन पे कर रहे थे, क्लियर। ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन पे, क्लियर। तो सी इसका आंसर होगा। देखिए 18th क्वेश्चन में, व्हाई रिवर्स ब्रैटन साइकिल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। रिवर्स ब्रैटन साइकिल का जो वेट है पर टर्न ऑफ द रेफ्रिजरेटर वो सबसे कम होता है, और एयरक्राफ्ट में लोएस्ट वेट के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा सी, लो यूनिट वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन केजी कंटेन इन 1 m³ ऑफ द एयर वेपर मिक्सचर एट इट्स टोटल प्रेशर। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली बात तो इसने वॉल्यूम को कंस्ट्रेंट किया है, 1 m³ के अंदर बात की है, और वेपर मिक्सचर के टोटल प्रेशर में बात की है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा वेपर डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी है आपके पास वेट, वेट ऑफ द वाटर वेपर। ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास वाटर वेपर का वेट इन केजी और वो भी आपके पास वॉल्यूम कंस्ट्रेंट करके पूछे, तो आपके पास वेपर डेंसिटी आंसर होगा। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है, अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी आपके पास वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सेचुरेशन प्रेशर। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ द वाटर वेपर, मास ऑफ द वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर वेपर इन द सेचुरेशन एयर, क्लियर। अगर आप यहाँ पे वाटर वेपर की बात कर रहे हो, वाटर वेपर की बात कर रहे हो, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा जरूर। अगर वाटर वेपर की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करोगे, क्लियर। अगर मैं सेचुरेशन की बात करूँ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करूँ, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या है, देखिए बहुत ही मैन्यूर सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो एम वी है वेपर का मास, ये पर यूनिट मास ऑफ द ड्राई एयर की बात करता है, ड्राई एयर की बात करेगा, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां भी ड्राई एयर की बात होगी व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। और यहां पे क्या था,
वाटर वेपर की बात होगी डिवाइडेड बाय वाटर वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, क्लियर। तो जब भी वाटर वेपर की बात हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात अगर करनी है तो ड्राई एयर की बात करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर। अब यहाँ पे वाटर वेपर बोला है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर टू द मास ऑफ द वाटर वेपर इन सेम वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पे वाटर वेपर की बात किया तो आंसर आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी जगह वाटर वेपर की जगह ड्राई एयर की बात की होती तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो भी आपका मास है, मास ऑफ द वाटर वेपर इन पर केजी ऑफ द ड्राई एयर, क्लियर। तो वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर आरएसी का हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे और न्यूमेरिकल अप्रोच एग्जाम में कैसे लेनी है वो देखेंगे। एग्जाम के मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा ताकि एग्जाम के भी क्वेश्चन हो जाएं, हमारी रिवीजन भी हो जाए और आरएसी का कंसेप्ट पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।